आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें, अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल आधार कार्ड में लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो आप उसे लिंक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। 100% वर्किंग वीडियो है दोस्तों, 100% पूरी तरह से आपका ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ 100% काम करेगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और घर बैठे आप आसानी से लिंक कर सकते हैं, आसानी से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू टैब में गूगल में आपको टाइप करना है myaadhar.udi.government.in। यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पे सिंपल से आप टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे सीधा इस वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, यहाँ पे चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, ये भी नहीं चेक करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बुक ए अपॉइंटमेंट, ओके इस पर आपको टिक करना है। ओके, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिटी, यहाँ पे लोकेशन आपको चेक करना है, यहाँ पे कौन से लोकेशन पे आपको जो है एड्रेस चेंज कराना है या फिर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, जो भी आपको करना है यहाँ पे कौन से लोकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना जो है लोकेशन चेंज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोसीड टू बैंक अकाउंट, ओके अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, कोई सा मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक कैप्चर कोड डालना है, कैप्चर कोड हल्की डाल लेते हैं। इसके बाद आपको कैप्चर कोड डालने के बाद आपको ये आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको आपको सिंपल से डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे OTP डाल लेते हैं, गेट OTP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP जो है हम लोग डाल देंगे। ओके, तो OTP आ चुका है, चलिए OTP फटाफट से डाल देते हैं और यहाँ पे OTP हो गया, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो आपके सामने ये पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपडेट करना है, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको सिंपल से यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जो है आधार नंबर गलत हो गया। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे जो नाम है वो आपको डालना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट का नाम चूज करना है, जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ पे आपको सिटी का नाम चूज करना है, जो आपका सिटी है, और आधार सेवा केंद्र यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने ये जो दूसरा पोर्टल एडिट का ऑप्शन, अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। इसमें आपको चाहे आपको अपना नाम चेंज करना है या जेंडर चूज करना है, आपको मेल फीमेल आपका गलत हो गया वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाता है आपको न्यू मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो न्यू मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अगर ईमेल आईडी आपको चेंज करना है तो ईमेल आईडी हम चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फोटो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर चेंज करने वाला हूँ, तो इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद मैंने जो मोबाइल नंबर डाला था पहले वही मोबाइल नंबर आ चुका है। तो जो भी आपको जो नंबर आपको चेंज करना है, जो आपको नया नंबर ऐड करना है, वही नंबर आप आगे डालेंगे, वही OTP उसी नंबर से लेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं 16 तारीख को बुक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 18 तारीख को ये अपॉइंटमेंट मेरा बुक होने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिटेल्स है वो आ चुका है। अब सिंपल से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपको बता रहा है कि आप फिर से अपना करेंगे, अब जाके ये आपका जो है अपडेट हो चुका है, प्लीज़ मेक पेमेंट टू कम्प्लीट दी अपॉइंटमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ₹50 का फीस जो है जमा करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे UPI आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आपको जिससे भी करना है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो डेबिट कार्ड से मैं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है पेमेंट आपको ₹50 का करना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए फटाफट से क्रेडिट कार्ड से डाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर और यहाँ पर डालकर सबमिट कर देते हैं। ओके,
सो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, अब आपको जो रिसीविंग मिला है यहाँ पे मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो रिसीविंग मिला है आपको वहाँ पे जहाँ पे आपने सेवा सहज जन सेवा केंद्र सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट आपको जो है इसको प्रिंट करके आपको जो ये मिला है रिसिप्ट मिला है वो आपको डाउनलोड करके आपको रिसिप्ट इसको प्रिंट करके आपको जाना है वहाँ पे, आपको यहाँ से एड्रेस वगैरह जो है मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे। ओके तो यहाँ से आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे अपना फिंगर लगाएंगे और आपका जो है चेंज हो जाएगा मोबाइल नंबर। ओके तो बस आज की इस वीडियो में बस नहीं, जय हिंद वंदे मातरम।